मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है। इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म और भारत बोध का समावेश नहीं है। भारत माता को परम वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ बनाने के लिए देश में करीब 25 लाख बहनें सेवा दे रही हैं। उसमें आज 20,000 बहनों का संगठन एकत्रित हुआ नोएडा के सेक्टर 19 के इस ऑडिटोरियम में 21 जून के इंटरनेशनल योग डे की तैयारी के लिए और आने वाले समय में 2 करोड़ बहनों को योग प्रचारकों के तौर पर, योग शिक्षकों के तौर पर जोड़ करके निःशुल्क योग की कक्षाएं जब देश में चलेंगी तो देश स्वस्थ भी बनेगा, रोग मुक्त भी बनेगा और रोगों से आज़ादी, नशा से आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी के साथ शिक्षा और चिकित्सा की आज़ादी का जो बड़ा लक्ष्य पतंजलि लेकर के चल रहा है उसमें देश की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसका ये प्रथम बड़ा सम्मेलन यहाँ नोएडा और NCR के संगठन के महिला पतंजलि योग समिति की ओर से किया गया। दुर्भाग्य से कोई भी सेंट्रल बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड है उन बोर्डों में हमारे सनातन धर्म और भारत बोध का समावेश नहीं है और एक मूल्यहीन शिक्षा, खाली एक तकनीकी शिक्षा, एक यांत्रिकी शिक्षा है, भाषाई बोध है, विषय का बोध है लेकिन आत्मबोध, भारत बोध और सनातन बोध से वंचित वो शिक्षा व्यवस्था वो परिणाम नहीं दे सकती जो शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व निर्माण होना चाहिए। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद मोदी सरकार के हम कृतज्ञ हैं, श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर के पूरी इस वर्तमान केंद्रीय सत्ता ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया है उससे शिक्षा की आज़ादी का एक नया दौर शुरू होगा और ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तैयार होंगे जिससे भारत का गौरव बढ़ेगा और एक ऐसे विश्व नागरिकों का निर्माण होगा जो विश्व में भारतीयता का गौरव बढ़ाएंगे। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियाँ, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है, इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी। परिणाम भी ऐसे ही इसी के आस पास होंगे ऐसा दिखता है क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है और इसीलिए देश उन पर विश्वास कर रहा है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।